पी लीजिए, पानी पी लीजिए और अब उस बारे में सोचना बंद करिए। कैसे ना सोचूं पुत्र, खुद मौत के मुंह से निकल के आई हूँ मैं। बहुत महंगा पड़ गया ये कद्दू मंगवाना मैंने तो। क्या मतलब कि सपन ने जब कद्दू मंगाया था पुत्र, तो उसने कहाँ सोचा होगा कि ये कद्दू उसकी माँ की जान का दुश्मन बन जाएगा। अब पानी पी जाए। माँ कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ बेटा। अब कहाँ गई थी माँ? तुम्हारी बचपन की फेवरेट सब्जी जो बनानी थी तो उसकी तैयारी करनी तो जरूरी थी ना। चाट मसाला खत्म हो गया था तो मार्केट गई थी इसे लेने। पर तुम इतनी टेंशन में क्यों हो बच्चा? कोई बात है क्या? नहीं माँ, वो बस आप इतनी देर से मुझे नहीं दिखाई दे रही थी तो बस इसलिए। चलो तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारी फेवरेट सब्जी फटाफट बनाती हूँ, उसे चख के ही जाना। ठीक है। बेटा इसे चख के बताओ कैसा बना है। जी मैम। बचपन जैसी बनी है कि नहीं? वाह माँ, ये तो एकदम मेरे बचपन जैसी बनी है। सेम टेस्ट। थैंक यू माँ। यू मोस्ट वेलकम बच्चा। आर्यन के बाद अब ये बकरा भी फंसा मेरे जाल में। सॉरी माँ, मैंने आप पे शक किया। आप मेरी माँ ही हो, कोई और नहीं। आप ठीक है ना माँ? हाँ पुत्र, नया जन्म लिया है तेरी माँ ने आज। तूने बचा लिया मुझे पुत्र। मैं तो पता नहीं। ज्यादा मत सोचो, आप आराम करो, आओ मैं आपका सर दबा देता हूँ। ना पुत्र रहने दे। आइए आइए। मैंने विल फील बेटर माँ। अरे पुत्र, आज तो मेरा सर बस ना। कितने अच्छे हो तुम समर, इसलिए आज तक तुम्हारे लिए प्यार नहीं गया मेरे दिल से। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। अबे भूतनी के, एक बार बोलने पे बात भेजे में घुसती नहीं है क्या तेरे? बोला ना नहीं नाचेगी मैं, बोल एंड फाइनल। बस बोल दिया लवली ने। हाँ तो मरता है तो मरने दो, आइंदा से फोन मत करना नहीं तो। क्यों परेशान करते रहते हैं मुझे, दोबारा फोन मत कीजिएगा। तुम इस तरह किससे बात कर रही थी? किसका फोन था? वो क्रेडिट कार्ड वाले का फोन था। बार बार फोन करता रहता है, इस बार तो उसने पानी का नाम भी लिया। जब भी कोई उसका नाम लेता है ना तो उसका ना चेहरा जैसे मेरे सामने आ जाता है और मैं अपना होश खो बैठती हूँ, भूल जाती हूँ मैं फिर सब कुछ, खुद को भी। Thank you.
पुरानी यादें याद कर ली है और अपने प्यार को भी। I'm sorry, पर कितनी भी कोशिश कर लूं, समर को सामने देखकर सब कुछ पुराना याद आ ही जाता है। अपन भी अभी तक कुछ नहीं भूल सका। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल हमेशा जीत ही जाता है। किस्मत का फैसला मेरा दिल आज तक नहीं मान पाया। हमेशा विश करता रहता है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे सब कुछ पुराने जैसा हो जाए। ऐसा हो सकता तो कोई लफड़ाइच नहीं था, पर पुराना वक्त कभी लौट के नहीं आता नीना। टाइम आए ना आए, समर जरूर वापस आएगा टीना के पास। मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, देखता जा मुन्ना, जोड़ी तो समर और टीना की ही बनेगी। हाँ डरी गई, केवल शरीर से ही एकदम मोटी तगड़ी लगती है, दिल तो एकदम ही कमजोर है आपका। आप तो गांव गई थी ना, वापस कब आई? अभी अभी तो आए, पर आते ही ना आपकी कद्दू वाली कहानी के बारे में पता चला तो हम सोचे चल के हाल चाल पूछ लेते हैं। इसे तो दूर ही रखो जी, इसने तो मेरी जान ही ले लेनी थी। ये लो रख देते हैं। अच्छा एक बात तो बताइए डॉली जी, आपके घर का मरम्मत का काम खत्म कब हो रहा है? कहा है ना आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, इतने दिनों से दूसरों के घर में ऐसे रह रही है ना? ना ना जी, दूसरा मैंने माना ही कब है आप सबको। वो तो दिख ही रहा है, आप तो बिल्कुल यहाँ पे अड्डा ही जमा के बैठे। अरे हमारे कहने का मतलब है आप एकदम घर जैसा मानती है ना, तभी तो आपने यहाँ एकदम घर बसा लिया। लो हम ना आपसे बातें करने के चक्कर में ये तो भूल गए हमको घर में कितना सारा काम पड़ा है, वो करने जाना है। काम है? खोती खोती कहेगी, जब देखो मेरे जूते ही मारती रहती। पत्री ये कद्दू तो अंदर से खोखला है और वो कद्दू भी अंदर से खोखला था, इसका मतलब इसने जान बूझ के मेरे सर पे गिराया था। थपकी थपकी, क्या हुआ थपकी? ये दिल्ली के बहुत ही मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं। नमस्ते। दिमाग की हर परेशानी को हल करने में बहुत अच्छे से माहिर हैं, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है। किसकी? तुम्हारे। मेरी? क्यों? मुझे क्या जरूरत है? आपकी आज सुबह जो फोन के बाद तुम्हारी हालत हुई थी, भूल गई क्या तुम? सबकी देखो, आई नो पानी के हादसे का तुम्हारे दिमाग पे काफी गहरा असर पड़ा है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह अपनी तबीयत और खराब करो। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मैं काफी बार देख चुका हूँ, तो बेटर ये हुआ कि तुम अपने दिमाग का इलाज करा लो, बहुत जरूरी है। लेकिन आर्यन सबके बेटा बिहान ठीक कह रहा है, इस इलाज से तुमको ठीक होने में मदद ही मिलेगी। बाबूजी माँ आप सब है ना मेरे साथ, मेरी ताकत, तो फिर मुझे इसकी पर थपकी इलाज इलाज की जगह है ना, और फिर इलाज के दौरान भी तो हम सब तुम्हारे साथ ही है ना बेटा। थपकी कम से कम बिहान देवर जी का दिल रखने के लिए मान लो, देखो तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे हैं, मान जाओ ना। मानोगी ना बेटा?
पूरी तैयारी के साथ जान बूझ के मेरे सर पे गिराया है। कौन हो सकता है? कभी तो कुछ सुराग मिले उसका। की चमक रहे वो न हो, ये उसी खोते का होगा जिसने मेरे सर पे कद्दू गिराया। अब ये सुराग मुझे मेरे दुश्मन तक पहुंचाएगा। अब देखती हूँ इतने मेरा दुश्मन कौन है। सुमन जी, क्यों हो रहा है इधर? चुप रहिए, देखती नहीं है? डॉक्टर सब आए हैं, तबकी का इलाज चल रहा है। चुप रहिए। अब आप बिल्कुल शांत मन से बैठ जाइए और जो मैं कहूं उसको फॉलो करते रहिए। इसे देखते रहिए, बहुत ही ध्यान से देखिए इसे। आपको इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। साला, ये तो मुझे हिप्नोटाइज कर रहा। इसने मुझे वश में कर लिया तो सब सच उगलवा लेगा। तुमसे सच जानना है तबकी, तभी तो मैंने इन्हें बुलाया है। अब धीरे धीरे आपकी पलकें भारी हो रही हैं, आपकी आंखों में नींद भर रही है। अब बहुत गहरी नींद में जाना है आपको। अब आप सो चुकी हैं, बहुत गहरी नींद में सो चुकी हैं, लेकिन आपका दिमाग जाग रहा है। आप धीरे धीरे अपने दिमाग की बातों को भूलकर अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबके बिहान पांडे। ये बिहान पांडे आपके क्या लगते हैं? मेरे पति। और कौन कौन है आपके परिवार में? सब, माँ, बाबूजी, जेठ, जेठानी, सब। और आपके बच्चे? बच्चे, दो बच्चे हैं मेरे, दो बेटियां टीना और बानी। उनके पैदा होते ही मुझे बानी को लेकर अपने परिवार से दूर जाना पड़ा। कितने वक्त दूर रही आप अपने परिवार से? 7 साल। फिर दोबारा आप अपने परिवार से कहां मिली? बानी के स्कूल में, जब यहाँ के CKS इंटरनेशनल स्कूल से टीना ने बानी के सनशाइन स्कूल में एडमिशन की। उसके बाद हम अपने परिवार के पास वापस आ गए, लेकिन फिर किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और बानी कहीं खो गई। 15 साल बाद वो मेरी जिंदगी में वापस लौटी। उसके बाद किस्मत ने दोबारा मुझे मेरी बच्ची से अलग कर दिया, लेकिन इस बार हमेशा के लिए मेरी बाली इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मुझे छोड़ के चली गई।
हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और अब इस नींद से बाहर आ जाइए। हर बार की तरह शायद इस बार भी मैं ही गलत हूं। तब की तुम ही सच में तब किया, वरना तुम इतना कुछ नहीं जानती। फीलिंग बेटर? इन्हें अब कुछ दिन के लिए विटामिन टेबलेट्स देने हों, आप वो मंगवा ली। हाँ डॉक्टर साहब। बिहान, इन्हें बाहर छोड़ के आओ। तब की तुम आराम करो बेटिया। इसे देखते रहिए, बहुत ही ध्यान से देखिए इसे। आपको इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। साला, ये चक्का जासूस, क्या क्या करना पड़ेगा इसके चक्कर में। पहले जब मुझे लपली समझ रहा था तब भी लफड़े कर रहा था, और अब जब मुझे उसने थपकी मार लिया है तब भी मेरे रास्ते में रोड़े डाल रहा है। कुछ भी कर लो तुम सब, लेकिन लवली का सच तुम नहीं जान पाओगे, क्योंकि लवली का लव भी सॉलिड है और हेट्रेड और भी सॉलिड। अब यहां है, दादी माँ ने बताया कि आप किसी को घर पे लेके आए थे माँ के ट्रीटमेंट के लिए। आपको माँ पर अभी भी शक है? हाँ, पर अब नहीं है। हिप्नोटाइज होने के बावजूद जब थपकी ने सब कुछ सही सही बताया, और वो सब जो सिर्फ थपकी जानती है, तो शक खत्म हो गया। क्या बताया माँ ने? सारी पुरानी बातें, तुम दोनों बहनों की आदतें, इवन तुम दोनों की बहनों के स्कूल के नाम। टीना ने CKS इंटरनेशनल स्कूल को छोड़कर पानी का सनशाइन स्कूल ज्वाइन किया। इसलिए अब तो हमारा शक भी मिट चुका है। अब बाकी परिवार की तरह हमें भी ये लगता है कि हमारे साथ हमारी थपकी है। टीना ने CKS इंटरनेशनल स्कूल को छोड़कर वानी का सनशाइन स्कूल ज्वाइन किया। वानी स्कूल के नाम गलत बताए? वानी सनशाइन स्कूल में नहीं, CKS इंटरनेशनल में पढ़ती थी, और मैं सनशाइन स्कूल में पढ़ती थी। वहां इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। क्या पापा और मेरा शक सही है? क्या जो हमारे साथ है वो माँ नहीं है, कोई और है?